घर च नहीं मैं दिंदी रही जी अस्पताल बिच घर च अब के लगता नु ससुर जी नोबाड़ी को हां हां वार मार हां बुक्की देनी दादी पण के नहीं की पण हां 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 हैं हां हां बुक्की तो जी क्या छियो हिंगोड़ी छ नहीं के करदा नहीं और एक मकान है काफी खूबसूरत जगह पुराना मकान ते मंजिल छियो और बसाय से रोनी की यार देखो बलड और पूरा होना भी यार बहुत चला होना अगड़े सबसे पहला सब तुम्हें तेरे प्यार भर नमस्कार तेरे खड़े खूबसूरत पहाड़ में से स्वागत है दगड़े आज फिर से एक नए बड़े लिखने गए और दगड़े आज फिर से एक हैंगा बजाने तैयार है मेरे और आज आना तुम्हें खमड़ गाँव में तो गाँव होने बाद श्री महंत नरेश जी गाँव तो मतलब यूंग रतन अस्पताल में चुना मक जो काफ़ी बड़ा अस्पताल है और यूंग मतलब स्कूल वगैरह भी चंदी रतन काफ़ी ज़्यादा तो दगड़े काफ़ी मजा आने वाले गाँव में आप लोगों तभी और मित्र भी दगड़े तो दगड़े चल छः गाँव तेरा अम्मी दगड़ो खमण गाँव मथे में पहुंच गए मैं और जहाँ गाँव के ना खूबसूरत है यार और काफी प्यार जगह बस गाँव देखो बहुत सारा मकान अच्छा अच्छा यार दगड़ो में गाँव सामने पहुंच गया और जाको सुर मैं छन्नी वगैरह रहती खेलते गाँव में और एक गोर भैंस मुड़ी और भैंस भी देखो और बहुत सारा छन्नी चल सुर में देखो बहुत सारा छन्नी और गांव बहुत प्यारा दिखाना और छन्नी टूट गया आवाज समझे दगड़ो गांव से फर्स्ट बार मकान सुने पहुंच गए और जाको पत्थर मकान चो तो जान जाएगा कि नहीं और जाकर हम भेजे और ताऊ जी भी है और एक ताऊ जी मुड़ी छन्नी घोर चो जाको फर्स्ट क्लास मकान पुराना मकान पत्थर और बात कर देने नमस्कार ताऊ जी नमस्कार नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है गणेश म्यान नाम गणेश घर में कोरोना पता घर में अकेले ही छो अकेले हर कगे हर बस मेरा बच्चा बहन नौकरी करने गुड़गांव मतलब आपने क्या होता खड़ा मैं अब जोल ना फिर कगी शादी शुदी में जोल दिल्ली मतलब हमारा परिवार पूरी दिल्ली में अच्छा अकेले छा ब्याज कर अकेला छो बस अपन टाइम पास कहां लगो घर पर घर पर तो अमर पहाड़ जो हम तो अच्छा लोग होता पर पहाड़ में जन पानी पुणी घास पानी लकड़ो वो बढ़िया लोग होता हम तो गांव का जनसंख्या वेले भी टोटल गांव में टोटल मतलब 50-60 करीबन पहल का दुख है पहल तो ज्यादा छे 200-300 करीबन रे वाल सर गांव बड़े प्लान भी छे छे हां तो कुछ एक लोग कुछ बैर चल गए कुछ देहरादून चल गए कुछ दिल्ली चल गए कुछ इनाव नाव जनसंख्या बहुत तगड़ी थी हमारे गाँव अकेला मतलब हमारे गाँव में इतु जमीन भी इतु की आस पास हर गाँव में नहीं इतु इन अगर खेती बाड़ी करना चाहे तो अभी भी बहुत उत्पन्न हो सकता है बांछन भी है बांछन बहुत ज्यादा अच्छा लोग भर जाते आंछन गाँव में हाँ तो ये पुराण मोहस बहुत पुराण यो ये वाल मकान है यो टूट गया ये तो टूट गया हमारे तरफ टूट गया ये तरफ जाको और बुरी कंडीशन से मकान है बहुत बुरी कंडीशन हां एकदम जा बखरचन बांधी हां ये दूसरा मो बखरचन और दगड़े ताऊ जी मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं कोई चीज ये नाम बता ताऊ जी क्या छियो हिंगोड़ी छ नहीं हिंगोड़ी के कर दनी गेंद खेल दन होगी गेंदी अच्छा क्या आन बड़ी ये बांस की है बांस अच्छा बांस का इना बता बांस है छ और दगड़े जा कि ना मजबूत चीज हर चीज पुरानी चीज छ नहीं बहुत पुरान कतो टाइम हो गया आले था यो तो मतलब 50 करीबन तो हम तो ही 50 उम्र अच्छा अब संभाल रखी थी अभी तक है ना अभी तक संभाल रखी है अब दगड़े इधर अब चलते मेरे मकान तरफ और जाकर ना खूबसूरत मकान दिखा रहे थे तो नए मकान बड़े साहस से गाँव में जान चाहे ना घर में देख लग कुछ और कम पर्दा लगी देख लिया और आवाज आने से बेहतर नमस्कार बोड़ी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है मेरा नाम सुरजीत देवी मैच कहाँ से कचाप काटा उदयपुर साइड पोखला साइड जान भी मैं तो कह रहा साल भर या नहीं का हाँ, आन भी था घर में रहने का घर में भाई रहना पूरे परिवार जो ठीक ठाक है सब सुंदर गाँव में खेती बाड़ी तो नहीं करी आप लोग शायद करी रहना थोड़ा थोड़ा कह लोग भाई लोगो को छाओ का है एक ये गांव में तो नहीं ना खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा छे से नमा आप करी छे से कुछ है हमारे भी जरा थोड़ा से करे चाहे अच्छा दिखे दे नहीं मिलता है अच्छा आपका नाम क्या होता हो जी नाम तो मेरा घर में जो है कुछ नाम बता जाओ तब भी सुनील सिंह रावत घर में कोरोना पता घर
अच्छा, अब टाइम में तो खेती बाड़ी खूब बन रहे हैं नाम बता दे चीजा गेहूं जो कुआद भट्ट उर्द तोर सट्टी फैटी क्या अब थोड़े तरफ में गाँव के मकान सामने में और मकान से मैं इंद्रेश जी जाओ मकान से यार तो मैं इंद्रेश जी मतलब अस्पताल भी खुली रहता हूँ मैं और स्कूल भी चुनाव कुछ तो देख लग घर में कुछ देखो मकान खूबसूरत है यार पुराना मकान और देख लग घर में कुछ अब तो कोई दिखाना नीचे और इधर अब सिंह जाओ ताई जी और ताऊ जी तो बात करता हूँ देखो नमस्कार बोड़ी हाँ नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है विदाथा देवी मैच कैसे कहते कहानी कस आली है पोखरा साहे तो घर च नहीं मैं इंद्रेश जी अस्पताल बिच घर च आप क्या लगता है ससुर जी आप दिखी छाओ ना अमर दिखी नहीं सुनी च अच्छा अब तो नहीं रह गए नो मतलब ना जब वो खत्म है तो वो फोटो धरना को किए छे अच्छा फोटो छे जोंगा भी हां ये किच फोटो अच्छा के साल में खत्म है नो अभी साल भी नहीं भाई हम तो पता अच्छा कुछ पता नहीं ना हम तो कुछ नहीं कहे साल में खत्म है पर जब वो खत्म है छे तो वो फोटो धरना को मकान का है अच्छा वो लोडवाल भी हाल ना कुछ नहीं हूं कुछ नहीं क्या ना वो मां बाप छे तो यों के पिताजी और सेवा कर हूं अच्छा ताऊ जी दिखे छु ना अब नाम क्या है ताऊ जी देवेंद्र प्रसाद आप दिखी चाहो घर तो आई नहीं छोटी छोटी है चल गए एक पोड़ दुई तीन बात चल गए देहरादून मतलब अस्पताल स्कूल भी चल वाले सब कुछ पहला मैं तो कह पढ़ा जब बैठे तो पढ़ने लगे देखा चाहे तो कहीं काम करते एक बटी भागी कन गए जाओ आरो तब रात को पड़ता चावल पोलो तो लाइट स्टील लाइट तो आरो धेरा दिन पहले पूछा पहले मौत रे वालो इन देख दिया तब वो उन्हीं का पड़ता करके बच्चा पढ़ मार लगन च तब वो उन पढ़े नो तब तो बैरिस्टर करो नो इंग्लैंड रे नो इंग्लैंड ओ मकान यूच कुमार कमरा चू गे पर मुड़ी वाल युवाल देखो कमरा ये वाले पर मतलब ये पर वाले छोटो में देख लो भीतर आप लोग तो दुआ भी है आप लोग तो दुई हाल ना भी हो आप लोग तो दुई हाल ना भी हो पिता को मतलब यहाँ को माँ पिताजी सेवा का अच्छा हम तो दुई ये पोड़ो को दिया रे पोड़ ये गाँव छोड़ अच्छा आपका दुकान में घर में भी है अभी हम दुई आदमी हम चार दूरा और चमच दौड़े कम देखो मंदिर बीच कम मैं इंद्रेश जी घर समझे में और भीतर जान भी गेट है तो देखो घंटी बड़ बड़ तो गेट खोल में मंदिर दिखाना आप लोग तमी और देखो फतरा मंदिर च और यहाँ से मंदिर और घर ही चूंग देखो तो मंदिर ही कम च तो यहाँ से मंदिर भीतर अंदर भी बहुत ज्यादा और काफी अच्छे मंदिर चाह फतरा अब थोड़े गांव की माजे अपने गए तो बहुत सारा मकान दिखाई निकल जाको और घर में कोई नहीं दिखाने यार एकदम बहर और एक मकान यहाँ काफ़ी खूबसूरत जाएगा पुराना मकान तीन मंजिल अच्छी हो और ये बसाया सर वहाँ निकल यार तार लगी जाएगा दर्जे पर ना और तालन जंग का भी खाया तो मकान काफ़ी खूबसूरत यार पुराना मकान अरे पर लोग बानर ने उनसे चल के नहीं छोड़े को ना और कुछ घर ये साइड भी चना लो दिखाने स्वामी जाको ये मकान है भी पुराना मकान ती पर शायद से रोनी की देखो तार लगे और जाल भी जम गया ना और काफ़ी अच्छे मकान जी हर भी पुराना मकान बड़ो मकान और बगल में नए मकान बनो शायद से कहे आवाज आने भीतर कहे देख ला कुछ भीतर और जाकर ताऊ जी काम करने से अब थोड़े एक बन पहुँच गए और जाकर ना खूबसूरत मकान दिखा दे ना पुराना ती बस शायद से रोनी की जाकर दर्ज तार लगे मथी और ना भी तार लगे पुराना मकान जानी खूबसूरत लोग छोड़ देने जाको ना बच्चे एक मकान खूबसूरत इन आदर अब तानो भूमि और ये मकान जब दिखाए जाए आप लोग तक नेवाल तुम्हें ना इन आप बुझना और एकम भी मकान में छोड़े चुके जाको एकम झाड़ी जम गया भीमो और ये वाला दर टूट गया और एकम एक ताऊ जी दिखाने से नहीं मकान ही वास है सब जाको खूबसूरत मकान चे यार नमस्कार ताऊ जी आप शुभ नाम क्या है मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार घर में करो घर हम बस हम ही दो आदमी लोडवाल लोडवाल दिल्ली आपने क्या होता खड़ा
जान छवा कहला था जनो अच्छा का कलो तुम घर के पे मैं तो ये खेला हूं गाड़ी रहा कुछ लोग छोड़ देने पर काफी मकान है ना मैं तो घर ही रहा मैं बगल में छोड़े जनाब मकान बगल में कति लोग हां तो कते ये नहीं धीरे धीरे तो हां लोग बागान ने छन घर पे ना आन छन जान छन वो तो छोड़े जन बड़ बड़ मकान है तीन मंजिला हां ना ना छोटी छन पर आन छन जान छन छन कुछ नहीं अच्छा वो लोग मतलब भैर के लगे वाला लोग तो मतलब के लग अब रोजगारी नहीं मिल रही अपन तो अब जाने तो चुप हो क्या अच्छा रोजगार का रहा है हां तो आप तो मतलब कुछ क्या लगता है मतलब पलायन तो करना रुके जैसा कौन हमारे पहाड़ में अब वो क्या अब हम क्या बोल के क्या कुछ राय है लो पर कुछ नहीं थे नहीं रुके सको नहीं था एक कोई फैक्ट्री वगैरह खोला ना तब लड़का एक काम करो ना तब जाके रुक सको बाकी तो कोई नजदीकी ना जाने पौखाल चेलो सैन हम नहीं बना गाँव में खो लो हाँ हाँ नजदीकी वो है जा तो 10-15 बच्चा जो मतलब काम कर रहा तो तब गाँव में रुकावट है रोजगार होने जरूरी थी मतलब हाँ कुछ कंपनी वगैरह खोलो ना फैक्ट्री में कोई चीज जन बनाने की वो अब थोड़े को बुझाने मकान तर अम्मी और देखो पुराने मकान जो खूबसूरत लब मकान चकने तक जाको कुछ बड़ू मकान और एकदम भैरम क्यों नहीं दिखाने यार शायद भीतर वाली और ये मकान पर रौचिक नहीं रौकी पता है यार एकदम तार लगी देख लाओ देखो बहुत बड़ा मकान थी यार और एकदम पपीता लगी सिंह कच कच और ये पुण में दाल भी है बहुत ज्यादा दाल भी अंगने तक शायद रौचिक यार भाड़ धरे सिंह भैरम देखो बड़ू मकान हाँ एकदम जाको ताओ जी से नहीं बात कर दो ना क्योंकि मकान जी नमस्कार ताओ जी आप शुभ नाम क्या है मेरा नाम हाँ सत्य प्रसाद सत्य प्रसाद आप एक मकान जितने बड़ी है नहीं सब वो क्या नहीं मालूम और का चीज और दिखाने नहीं था ताकि बोलो और सही एक बनी आप घर को रंग घर में का ना तो कुछ नहीं अकेला और का की अब है बार दिल्ली से ना हाँ वहाँ में मेरे को मैं नानी है नहीं हूँ तो अच्छा मैं बस रंग नहीं था अच्छा भैर में चुन लग तो ना आप गया था भैरम का भैया हम लोग मर रहा था वो दिल्ली अच्छा घर में क्या चीज अच्छी लगती ना आप नहीं हम भीतर भीतर वो दिल्ली तो भीतर भीतर रहे का पूर है जाना दिन में अब इंसान अब घर में तो वो खाली भी दिखाने दो वो कुछ दिखाने दो छाला दिखाने दो वो कुछ दिखाने दो हाँ आपको क्या बैठा मैं ही कहूँ दिया क्या साइड है का नौ बड़े गाँव सुनी तो मतलब घर बना चुलक जनाब दे हैं घर जी वाला चुचे हैं चलो ठीक से तगड़े और ना जान में ना बड़ी चाय भी यार और तगड़े की तरफ भी थे कुछ मकान आप लोग दिखाओ छो मी और एक मिनट दाल भी मुड़ी है पूर्ण मत एक मकान ही बिच जागो ये बड़ा सास रोनी के और एक मिर्च से जागो छोटे छोटे मिर्च और ये बड़ा सास रोनी के ताल लगी देख लिया हम लगे ताल तो काफी बड़ा मकान चुके छोड़े चु इन बात जगह अपन जानते बड़े अम्मी और कुछ घर ही साइड में तो देखा चालू होते कुछ और घर में देखो कितना अच्छा मकान जी बड़ू मकान और एकदम बोड़ी जी सिनेमा थी तो एकदम जान में बसी ना नमस्कार बोड़ी जी आपका नाम क्या शुभ नाम नाम हाँ मेरा नाम लीलावती लीलावती घर में को रोंदा गढ़ में घर में को रोन घर में लड़का रोन अच्छा उन्दने क्या उन्दने क्या क्या कहाँ था थोड़ी को उन्दने क्या कहाँ था थोड़ी को ना कुछ काम नहीं हो हरिद्वार है अच्छा मैथ कहने का चापक मैथ मैथ कहने का चमैथ ये बन मेरा मैथ कहने का चमैथ न्यारो हाँ चोल सैन अच्छा चोल सैन को कहाँ को कहाँ कहाँ कुछ कहाँ चोल सैन सीला अच्छा सीला कहाँ है बोड़ी जी और कपड़ा सुखाने से देख लो गाँव में मस्त बात कुछ ना अब दौड़े चल उनमें हर और कुछ घर भूपे छन और एकदम छीम लगी छन जागो इसन छीम ते मकान सड़े जान में और घर में नीचे शायद सकू यार एकदम जागो घास सुखाने धरियो छन से शायद से यहाँ से छन नहीं और एक मकान साइड से तो काफी बड़ा मकान ची भी दिखाना तो जान छाए ना क्या कितना बड़ा मकान से यार और घर में कहीं दिखाने यार भैर और छीमी भी चल लगी यार घर में छह भी चुकी नहीं तो दगड़े घर में कोई पर आप आज ची घर लगना सब चल एकदम पैड़े भर दिए लाओ और लिपे भी चौक दगड़े घूम जाओ खूब रहे आस लगी थे और फूल है जिन पील पी ये जागो और एकदम पपीता डाल चियो
और हमारे बूढ़ी जी हो रहे जी नमस्कार बूढ़ी जी क्या बोलना मीना आप कौन थे दीद अच्छा नाम क्या चाप मेरा नाम है लक्ष्मी देवी मैं कैसे कर जे मैं यार मतरगा मतरगा का नाम है ऐ नहीं बन्नी खनोर सुनी तुम अच्छा अब मकान जी नहीं साइड सर नहीं सारी नहीं हमारी यही जो इलेंट रहा था ना अच्छा उन आवाज छोड़ दिया लोगों ने उन आवाज सब चली गई भाई अच्छा अच्छा लोग गांव में आन से नु कहवा गर्म गर्म अच्छा कल लग तो ना तक गांव बनी हुआ ठीक है ला तो जब उन जूत बुला ले बोल ले तो जान हां अच्छा आप तन लिए कुंदो तो आप तो के ध्यान आ बिके अच्छा नौकरी चाकर सही है तब ले जाले हां जब सही वाल तब अच्छा अब खूब लगाए जरी कुंद है लगाई लग लोगे रे चीज का खड़ू खड़ी समझ अब दे आग का केड़ा दे ले दे दे बाप जब सही हो तो बादर खेरे सो अच्छा बांदर आ तक जिक बे हां बांदर सो चीज नहीं कपड़े काने आता सुन ली हाथ पर मैं घास पोल ले कनो अच्छा जंगल पे देख हां देखो देखो घास ले खूब अब दगड़े मकान सुनने पहुंच गए मर जाके ना खूबसूरत मकान जी हार पुराना मकान तो काफी बड़ा मकान च इना जाना ना देख ला घर में कुछ और एक ताऊ जी छने साइड तो भीतर भी साइड से कोई एकदम फाड़ देखो दी दौर से और एकदम लिपे होने से देखो पहाड़ी का नमस्कार दी नमस्कार आप शुभ नाम क्या है श्रीमती उमा देवी उमा देवी मैं कैसे कर भिर्गो खाल के साइड है छापा खाल साइड है काम भी हो रहे हैं ये क्या अनपढ़ दुनिया पता चला अच्छा लाल माट होने लाल माट हां कौन लगन काम करते हैं अच्छा लगन काम करते अच्छा वरदान जो बोले अच्छे अच्छे हैं ना ना तो घर आ जाते ये तो बोल तो हाल अपन अब हॉस्पिटल को हां नि बोल ना 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 घर आ घर अच्छा लगे ना अच्छा गांव का पलायन हुए कभी है हाँ। असच मकान छोड़ी थे सब भैरीशन था हाँ तो आप जो भी बुला रहे जो भी बुला था घर अच्छा लग रहा घर यार थोड़ी अच्छा आके के पली से नापक है हम एक घोड़ा बछोड़ सा ना अपर बकोड़ छन ती अच्छा मतलब रोजगार हुई छे क्या हाँ, बस हाँ अब नहीं स्कूल में चम्मी भोजन माता अच्छा ये स्कूल में कब तक कंटिन्यू स्कूल का स्कूल पास तक छे और एक ही बच्चा छे एक ही बच्चा है हां मेरी लड़का छे अच्छा एक ही बच्चा तो स्कूल तो बंद हो जाए बस बंद हो हाल से अच्छा का भी तो का बात पहले का तो लौट रहे हालिक पहल 5-6 से 8-9 पहल रहे और ना हां जब बेटी मेरा को 5-6 से पहले और अब एक ही बच्चा चुके हमारी लड़का चल अच्छा बड़ा मकान भी है आप का बस नहीं पका हां ये हमारी चौक तक सरा का सरा है हां सरा हमारी चौक गांव अच्छा से मकान दिखण से काफी मिलता कुछ ख्याल भी है कुछ ख्याल है सब बैठ चल गए ना वो भैरम को सुनो एक ताऊ जी ये हमारे ससुर जी सन अच्छा उधर बात कर दूं मैं भैरम चलो ठीक है हां और थोड़ी ना जा ताऊ जी से बात करना को और एक मौसम लगे से देखो मत नमस्कार ताऊ जी नमस्कार सुखी रो धन्यवाद आपका शुभ नाम क्या है जयानंद उम्र का दुख है आप बयान बे हैं नौकर क्या करते हैं आप नौकरी भी करते हैं पहले हैं कौर भी नौकर पलटन के भाई बता जाओ सही से है? पलटन के भाई पलटन नाम छे मिलवाल के भाई फौज आया अच्छा को तो साल नौकर कर आप है को तो साल नौकर कर को तो कर याद नहीं है याद तो हाल को तो साल कर नौकर बताओ भूल गया 40 साल 40 साल है तो पहले जीवन अच्छा था कि अब जीवन अच्छा है अब जीवन अच्छा कि पहले जीवन सही है अरे यार जीवन तो कोई अच्छा नहीं अच्छा कोई नहीं अच्छा है ना अच्छा किला नहीं अच्छा ये अच्छा पहले अगर सुख भोग याल तो फिर नए दुख कन भोगन पल हाँ और जो पहले दुख भोग याल तो फिर नए सुख भोगन पल ये बात तो कोई भी जीवन दगड़े तरह चौदह नगर आप में एक मकान है साढ़े बीस करोड़ मिला तो देख ला घर में कुछ और जाके हम दी और से ना और मकान ही चाहिए जाको और हम का तभी सरसकाना को धरी से ना गांव में मस्त वाला और हम जाके खड़े लगो ते बका खेड़वाल के पता नमस्कार दी शुभ नाम क्या चाप मेर बुंदरी बुंदरी देवी मैं कैसे का चाप घर से आले के तरफ छियो एक गटकोड़ा फंड अच्छा जान में था मैं तो कर रहा घर में को रहने का माँ दो आदमी बस एक एक का
एक तो अलग खा रहे हैं भाव मारो जाएं हाँ भाव ये पकाम जाएं कोड़ा अच्छा अलग समारोह कौन करते हैं ना जिका डबली कौन चढ़ी मारो अच्छा इतना दूर है हाँ काफी दूर संसाय दी है घोड़ा में ना लोग समार घोड़ा में घोड़ा जमान तो कब रहेगी कब रहेगी आप हाँ कहना है तो मजबूरी से क्या मजबूरी तो बहुत अच्छा तो बहुत परेशान से परेशानी से बैठ जाना जो तो बोले आ रहे हैं बोले होते कहो बोले हमें कागज आना था अच्छा भी प्यार नहीं है प्यार नहीं है लॉर्ड कक्ष से नौकरी चाकर करना हुआ कहाँ जगह जम्बू कक जम्बू जम्बू क्या फौज मच क्या तो फौज मच तो बहन ही लीग आता है लीग आता आता बहन अच्छा चलो ठीक चाहे इन आप रोने एक मौस आए थे तेरा तो ये ना जान मी एक मौस साइड पे रो और घूमी एक बूढ़ी जी नंगने बैठी मुझे घर जाने बात करना को और जाकर चंग रहा और इतने बुआन जा को और एक मकान है बीच काफी खूबसूरत है तो राजा हम बात करना को देखो खूबसूरत मकान चे यार बड़े नमस्कार नमस्कार मान साहब करना चाह आप नाम क्या शुभ नाम मेरा नाम हाँ बालमती बालमती है काफी अच्छा नाम चाहे पुराना नाम है गौरम को रोने कता गड़ में गौरम कोई नहीं रोन भाई कोई नहीं रोन ना कागी नौर लौड़ उन ये इच म्यारे हाँ अब बेटू ब्याह है गया है अकेला पोड़ गया था अकेला पोड़ गया ब्याह है भी बेटू दस अतन नीचे हाँ हाँ भगत पर भगवान है गये दुई बेटी हाँ दुई ठीक ठाक छन पर जन भी छन अब उम्र का दुख है आप उम्र तो बह मेरा कोई पता नहीं तो मैं जान दी भी नहीं कि कत कुछ पता नहीं है किले नहीं पता है किले नहीं पता है अब कह दे ना फिक्र है ना हाँ। अब कोई बात है कोई करना है कोई कोई नहीं पोड़ अब सिर्फ पेंशन उन्सान भी कोई लगानो नहीं कोई कुछ करो नहीं तो क्या पता होना है तब वाल कार में वाल कुछ में वाल पता नहीं थे अच्छा पेंशन नहीं लगाना था मतलब अब लगा है नहीं तब बेटे कन पांच साल ले के नमर बुढ़े तक जाए तब लगा दो बेटे तो अच्छा तो जी कुछ चीज मचा क्या ना 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 वो बेचारा सी एक दो वर्ष भी नहीं खाया वो पेंशन करना फौज वगैरह में छाओ फौज वगैरह में छाता ना कुछ नहीं छाया बे घर ही रोन छे अच्छा घर ही रोन छे मैं ना कुंताल है बीएड वगैरह का आ मैं ना को ना छ ना खान पीना जुगाड़ करमू ना पक भी अकेला छात खान पीना तो भाई हां जनी भी वार तुम्हारा असर बास चाहिए चुम्यार में को कुछ कमी नहीं पहुंचे दी तो कुछ और बेटी कहे मा गाड़ गुड़ वाल मगे जे की कमी रहे तो फोन कहे कर पहुंचे दी तो कुम ली देन में माँ को दरे साइड चल नंग ने में अब और एक मकान ये साइड से देखो खूब सरद मकान लगो ये भी और देखो पूर्ण में खूब दाल भी यार गाँव वालों देखो रहे ऐसा दाल चिया ये मच गाल पूर्ण भी पूरा का पूरा और रंग नहीं चलता देखो एक बूढ़ी जिसने बैठे चौक में और जा भाई कम छीम छीम से नहीं बहुत ज्यादा लगी छे और चा चिंडा भी लगी साफ पतरा और मकान इसे देखो बूढ़ी हो रहा काफी खूबसूरत मकान मत देखो डिजाइन थी मस्त वाह नमस्कार बूढ़ी आप सब नाम क्या है निर्मला देवी घर में कोरोना पता घड़ी का बस मेरा ससुर जी छे ना अच्छा आरामी छा दो यारी जी तीन आदमी है बाकी और बस बाकी तब उन्दे छन म्यार बताओ ब्याह हो गया ही हाँ हाँ बस मैं तो कैसे कर जा पाऊँगा म्यार मैं तो हाँ वो संगा कठोड़ा तरह कठोड़ा जान भी चाहोगा ना ना कहीं मत जाना भाव और म्यार उन्दे रहना ने समझर ना ना गरम कोई रहा नहीं तब एक महीना कहाँ छे दिन आप तो हाँ कभी कभी हाँ छे दिन है कल लग दूँ घर पर ठीक है घास खूब कटी आप है घास कटी तकड़े खूब और एक कुत्ता भी प्यार होगा कटने तो नहीं दिन में तक की घास खूब कटी है कपड़े लेने घास था बहुत दूर ना था दूर बटेगा कपड़े जंगल बटेगा सुबह आई था जेल है सुबह 10-11 बजे जाना सुबह 10-11 बजे है आन के बचा फिर वही 1 बजे 1.5 बजे दाल भी बहुत जायास देखो इन रयास और ना राजमा दाल चिया आप दिखाओ राजमा में यूच राजमा एक मुला राजमा दाल
ये बड़ो बीज हुन बहुत ज्यादा न खड़े काम हुन बा हमी और जा पूरा पुण अग्नि तक दगड़े मकान थाने पहुंच गया हमी और जान छाए ना और काफी खूबसूरत मकान दिखाने जाको तो काफी बड़ो मकान दिखाने भी मिलता और एकदम जाको भेजो और बैठे चुने और दीद और तो मकान दिखाना आप लोग सुर मम्मी जाको कितना खूबसूरत मकान चाहिए हारे साइड पुराना देखो बहुत बड़ो मकान चाहिए हारे और मत जाम बात करना को नमस्कार भाई जी आपका शुभ नाम क्या है आनंद प्रकाश लखेड़ा अच्छा लखेड़ा है हम साइड लखेड़ा कम हुनन बहुत बिल्कुल पौड़ी साइड में हुनन ज्यादा अच्छा वे साइड बस ही चाप कहे हां हम दूसरे गांव बैठी गई चा पर हमार कहीं मेरे समझ से कम से कम 6-7 पीढ़ी होगी ने अच्छा काफी बड़ा मकान है बहुत बड़ा मकान ये है हमार मतलब लखेड़ा पूरी हमारी बस्ती है अच्छा ते पर आप लोग ना के कोई हरबे रो क्वीन रो एक बार हमारे एक चाची रंदा ना रेगी ना मेरा बस लोग कगे ने पर सब बाबर मवा कोट चंद चल गया ना बाबर कोई देहरादून कोई कखी हां बस लोग घर पर ना हां गर्मी में अच्छा गर्मी में तो कमरा वाले टूटा ये बड़ कम से कम 16 कमरा वाले 16 है 16 तो यू चार ही नहीं है 20 ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा 8 पल छोड़ गया हां हां काफी बड़ो मकान छ है बड़ो मकान और तिवर छ कम आया ये हमार तिवर जी पूरा अच्छा देखो तगड़ तिवर काफी खूबसूरत छ ओ कगे दी धोरा भर में जाओ शर्माओ ना ओ तिवर जाओ फर्स्ट क्लास से यार और मकान काफी खूबसूरत छ भर में जाओ कगे भर में बुलाओ शर्मा कगे इन आए जा हां मिल गए तगड़ ना शर्माओ ना नमस्कार नाम क्या छ आपका शुभ नाम बताओ हैं बताओ शर्माओ ना इन आ जाओ नाम बताओ पर बताओ नाम बताओ शर्माने किला क्या शर्माने क्या शर्माने तुम तगड़े हो बता नहीं से और देखो चुनु पर एक प्यारू से काफी प्यारू जो बताओ नाम नहीं बताने अब दौड़े एक में पहुंच गए मकान सामने में और जाके ना खूबसूरत मकान जगम ताऊजी जन्मत थी जान जाए सड़ों पर नमस्कार ताऊ जी जी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है मेरा शुभ नाम विनोद कुमार लखेड़ा ग्राम खमाना पोस्ट ऑफिस डबली खाल और पोस्ट ऑफिस डबली खाल ग्राम खमाना है आप और घर में कैसे रह रहे हैं आप मेरे भाभी और मैं एक विकलांग व्यक्ति छो में अच्छा मैं धरती पर ये चाहता हूँ कि हमारी योग धरती का हमें एकता है घृणा नहीं करवाई एकता है आप प्रसाद में लो आई कि साथ में हम छिप जाओ ठीक सफलता ही हमारे जीवन की कुंजी च सफलता ही हमारे मार्ग च सफलता ही हमारे एक डोर च ये जीवन ये डोर च कब खिंच जाए तो कहीं नहीं जाता कहीं नहीं सोना कहीं नहीं जाता अब उम्र का दुख हो गया है मेरी उम्र हो गया है 70 साल हो गया जी मेरी उम्र 72 साल पर भाई बेटी बारे दगड़ विकलांग आदमी छो में बचपन बेटे मैं पोलियो छो में बचपन से पोलियो अब तो पोलियो किला पहलू बार कुछ भी नहीं है साड़ी फिकट बनी दिल्ली बेटे को अनाथाला में गयो पर मैं ना पर भूमि नहीं छोड़ भूमि प्यारी चाहते हैं हाँ भूमि प्यार अच्छा क्या लग अच्छा आप है आपका मिता हरियाली से और हवा से आपसे जीनो छोमी बस इससे बढ़कर क्या था संसार में आप मातृभूमि देवी देवता हमारे जो छन हमारे गौड़वा वो बहुत वो छन लाभदारी हमको अपन गाँव में क्या बदलाव जाग मिला इतना टाइम बढ़े जाए कुछ बदलाव हमारे गाँव में बदलाव अब पानी घर घर में पानी पानी को कर्मचारी घर घर में आने छन अब बस ये कि ये जो जो रोजगार जो जो बेटी बुहारी के नहीं है कुछ ना सुविधा हॉस्पिटल नहीं खुली नहीं कोई ये कोई पशुपालन को नहीं खुली नहीं कुछ भी नहीं हुआ ये कौन उद्योग प्लान कराने ये चीज मेन है मेन अब थोड़े तरफ है और एक मकान कम दिखा तो काफी अच्छा और एक बोड़ी जी समझा बहरो देखो पपीता दिखे कच्चे कच्चे देखो बहुत जा बड़बड़ और मकान है जो बोड़ी देखो खूबसूरत मकान पुराना मकान और ये साइड नए मकान बढ़ रही हूँ नमस्कार बोड़ी नमस्कार आपका शुभ नाम क्या है गैना देवी मैं सुख समी में जान बचाओ को ना ना कह मन जाना कोई नहीं हुआ अच्छा कोई नहीं ना कग छु ना कुर्दार आप तो मिन्ना कान छ हां मतलब फोन पर बाप मिन्ना नहीं है ना अच्छा गरम करो आने का तगड़ में कै आप एक मीन बाने के बुढ़ा राम से आज बुढ़ा था पर तकलीफ है अब रात आज सुबह ली गया
70 साल बाजार चल देना बाजार चल देना ना समान वगैरह को नहीं जा सकता अब खेती करी जी शायद है और कमी कुआद दिखाने जा खाता कड़े कुआद है कुआद इच नहीं फोन फून बुझ ना आपको साइड अच्छा वे साइड है थोड़ा और दिखा छ फोन फून में कुआद जा कर जी कुआद कच कुआद जी जाको बलड़ और पूरा फोन बुझ यार बहुत चला हूं बड़े बहुत जा कर जाको मजा आने यार दिखने में पूरा फोन बच्चे यार मतलब बहुत मजा आना यार इन चीज़ों देखना पुरानी चीज़ तो हमें तो यार सच में यार खुश हो गया देखो यार मजा आने यार सच में ये सर बलन और देखो देखो बूढ़ी को उड़ा दू यार फोन में बहुत जा तो बूढ़ी बहुत मेहनत से देख लिया पूरा फोन में बुई यार और एकदम जाको तोरी छनी बहुत जा लगी छनी भाई तोरी ये सर तोरी पूरा वहां पर लगी यार मजा आने दिखने में अब थोड़े कम पहुंच गए मैं गांव को और कुछ मकान जाको ये भी गाँव वालों तो कितना खूबसूरत मकान जा पुराना मकान जाको और बुझाने सीट जाको सजम और एकदम बूढ़ी जी छन जाको और एक मकान ही बिच नया मकान बड़े सहाय सही होंगे और एक बूढ़ी मत बिच और ये साइड टूट गया यार नमस्कार आप सब नाम क्या थे आप किस मकान से रहे ये साइड टूट गया आप मतलब बड़ा नहीं है मकान पर कोई भी नहीं रहा टूटी फूटी गई नहीं रहा घर कुछ रहा सास दगड़े ना जाऊ बुढ़ी दगड़ बात करना कौन भी अच्छा जा तेरा नमस्कार बूढ़ी नमस्कार नमस्कार बुआ नमस्कार ठीक ठाक छाओ कका क्या है मैं देवी खेत नौबड़ी है नौबड़ सुनियो छ नौबड़ नौबड़ी को हां हां वार माट हां बुक्की देणी दादी पण के नहीं है कि पण हां 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 है हां हां बुक्की देणी खुश है क्या दादी आप नाम क्या छ प्रेमा प्रेमा अच्छा मैं कैसे कहता आप का कहते मैं मैं उम्र का दुख है आप उम्र का दुख है उम्र कुछ नहीं सुनो उम्र का दुख है उम्र का तो सालों क्या उम्र तो कहाँ लगी कि भाई उम्र तो मुझे 4/24/8 कद 88 हाँ सालों क्या है कल लग तुम कहाँ पर है गाँव पर कल लग तुम गाँव पर गाँव पन कर लो तुम गाँव पर ना एक पन गाँव जीवन कर लो तुम आप गाँव जीवन निम्बाल गाँव पन कर लो तुम गाँव पन घर पन कर लो तुम आप घर पन अरे कदम ने सुनो सुनो हाँ चलो की बात नीचे दगड़े आप लोग उदास में खमड़ गाँव पे तो ख्याल है और दगड़े गाँव पर मैं लास्ट में चीज पर चौथ ये गाँव की एक भजन बता मैं तो गाँव पर तुम ढांगो पट्टी में तुम तो बहुत ताजी बाहर हमें तरफ गाँव में रहते ज्यादातर पट्टी में पर गाँव च खमड़ ढाको पट्टी में तो दगड़े में तो खमड़ गाँव मतलब प्लान वगैरह दिखा था मतलब गाँव वालों को अच्छा से मकान छोड़े पुराना मकान लब लो मकान तो काफी दुख होने मतलब दगड़े में चीज देखी ना और दगड़े गाँव कुछ लोग थे ना बहुत मेहनत त्यौहार मतलब घर में नहीं मतलब दाल वगैरह कुआद वगैरह भी छा तो काफी खुश हुए दगड़े में चीज देखी मैं तो और दगड़े यार काफी थक लगे यार सच में यार पूरा क्या था बहुत मेहनत लगे दगड़े में भिड़ो तल्हाण में और दगड़े भाई मैं तो खूब शेयर करें आप लोग और सब्सक्राइब जरूर करें दगड़े प्लीज चलते हैं दगड़े कहें आप लोग बाय बाय।